इस बीच आगे बढ़ेंगे, पैरालंपिक में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है और इससे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार जीत दर्ज करते हुए सुहास एलवाई, दूसरा मैच भी सुहास एलवाई जीत चुके हैं, बैडमिंटन का दूसरा मुकाबला उन्होंने जीता है। सबसे बड़ी बात ये, एक अधिकारी के रूप में सुहास एलवाई गौतम बुद्ध नगर में कार्यरत रहे और इतने बड़े स्तर पर जाकर भारत का नाम रोशन करना और लगातार दूसरा मैच जीतना अपने आप ही उनके बेहतरीन प्रदर्शन को दर्शाता हुआ। टोक्यो पैरालंपिक्स में शानदार जीत उन्होंने अपने नाम की है। सुहास एलवाई ने दूसरा मैच भी अपने नाम किया। बैडमिंटन का ये दूसरा मुकाबला था जो उन्होंने जीता है, मेन सिंगल ग्रुप स्टेज का ये दूसरा मैच है जो उन्होंने जीता। सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं सुहास एलवाई। इस बीच ये बड़ी जानकारी भी निकल कर सामने आ रही है, इंडोनेशिया के खिलाड़ी को हराकर जिसका नाम सुसांतो हैरी बताया जा रहा है, उसको 21-6, 21-12 से हराया है सुहास एलवाई ने। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी, बड़े अधिकारी के रूप में काम करने वाले सुहास एलवाई लगातार अपना लोहा मनवा रहे हैं। अब टोक्यो पैरालंपिक्स में भी देखा जा सकता है उनका प्रदर्शन, अपने आप में इतनी बड़ी और शानदार जीत इसे माना जा रहा है। लगातार ये दूसरा मैच है जो उन्होंने जीता है। इससे पहले कल भी सुहास एलवाई ने एक मैच जीतकर अपने लिए एक जगह पक्की कर ली थी अगले मैच के लिए, और ये जो मैच अब हुआ उसमें भी जीत पक्की कर अब उन्होंने अपनी जगह सेमीफाइनल्स में बना ली है और कहीं ना कहीं एक और कदम पास जाते हुए मेडल के सुहास एलवाई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं।